हेलो अस्सलामुअलैकुम नमस्कार सतश्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मोहम्मद शादाब सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल शाद मनियाक बाइकर। तो दोस्तों, जो ये आज की वीडियो है ये हमारी नेपाल राइड का Part-2 है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग कैसे नेपाल गए और कितनी सारी परेशानियां हुई हमें। इस वीडियो में उससे आगे का पार्ट है, तो कैसे हम महेंद्रनगर में एंटर हुए और हमने क्या क्या किया। तो चलो देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो देख लेते हैं पहले, और मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहूँगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं, जो पूरे इंडिया नहीं पूरे एशिया में मशहूर है। आओ फटाफट वीडियो देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पहुँच चुके हैं महेंद्रनगर में। मतलब नेपाल बॉर्डर के अंदर एंटर हो चुके हैं हम लोग। यस के पास ओरिजिनल पेपर नहीं थे, तो उसका बनकार कटा है कुछ 80 रुपये का, और हम लोगों के पास ऑरिजिनल थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सुविधा वाले सुविधा करके कुछ कार्ड है वो मिला है। यस पीछे रह गया है, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। है? चलो अभी मिलते हैं। अब देखो हुआ ये कि जैसे ही हमने महेंद्रनगर में एंट्री करी और बंसार जो कटवाया हमने, उसके जस्ट बाद यश की बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। क्या हुआ? रेस नहीं पकड़ रही। ये मतलब नेपाल में आके तुम्हारे ये काम होंगे? हैं? फोन कर नहीं सकते हो तुम? नेटवर्क आई नहीं। सही बात है, तभी तो वापस आए, नहीं तो चले जाते हम। वो भी आएगा 10 मिनट के बाद। उसको बोलेगा 10 मिनट में, अगर वापस नहीं आएगा तो वापस आ जाना। तो दिक्कत यह है कि यश भाई की गाड़ी का रेस खराब हो गई है। क्या हो गई है? ना ना पता चलना चाहिए ना, रेस की वायर खराब हुई। क्या हुआ? मेरा से वायर खराब हो गया थी। अरे साइड स्टैंड लगने से तो नहीं है कोई दिक्कत? ना ना। तो एक काम करो तुम, ये यहाँ बिक जाती होगी। यहाँ बिक जाती होगी। बिक बिक वो छोड़ो, मैं तो यहीं पे तो क्या की थी वो, यहाँ पे तो हुआ था। अभी यहाँ पे तो बंद पड़ा है आज के 1.5 किलोमीटर आगे है। तो उसकी बाइक में रेस की कुछ प्रॉब्लम आई है? नहीं। टुक टुक में कहाँ जाएगी? अरे मैं बताऊँ क्या दिक्कत है इसमें, इसकी बैटरी निकाल, बैटरी का फ्यूज उड़ गया इसमें, दूसरा फ्यूज होगा वो लगा है। हाँ फ्यूज इसमें दूसरा होगा एक और बैटरी के साथ, वो फ्यूज लगा जल जाएगा, सब जलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन रेस नहीं पकड़ेगी। ये देखो इधर प्लग भी ठीक है, प्लग भी चेक कर लिया। प्लग भी ठीक है, सब कर लिया। इसके बैटरी का फ्यूज चेक तो कर लो ना, छोटे मोटे चीज तो ऐसे देख लेता हूँ। ये देखो ना, मैं ये रेस की तार है ना, हल्की कटी पड़ी है यहाँ पे। इधर का देखो, यहाँ चला जाओ यार, ये तो रेस की तार है। कटने से थोड़ा होता, सेंसर थोड़ा कुछ नहीं। टोक लेके खींच लिया, बैटरी तो चार्ज है ही है, बैटरी को खोल के देखने में दिक्कत है कुछ। अब जब इतने सारे लोग बाइक चेक कर रहे हैं तो सभी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। कोई कह रहा है इसकी रेस की तार खराब हो गई, मैंने कहा कि इसके साथ फ्यूज उड़ गया है बैटरी का, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है वो अब आपको दिखेगा।
अरे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब करो। अरे यार भाई भैया ना, ये भाई ने अपना वो रखा था संभाल के ना आपकी इसके अंदर मुझे लग रहा है कुछ और ना घुस गया हो। खाली पन्नी थी क्या और भी कुछ था? ये पन्नी ये ऑटो खाने से ये पन्नी इसमें एक घंटे के अंदर डाल रखी है। हाँ हाँ चल रही है। क्या चीज हाँ तो वही तो अब इसमें पन्नी खाली ऐसी रखी। हाँ मैंने क्या रहा नहीं, मैंने क्या देख रहा था, तू पूरी गाड़ी वहाँ खुली छोड़ के जा रखा था, तू हेलमेट नहीं रखा हुआ तेरा, सब कुछ नहीं था, तभी कह रहा था खोल के देख ले एक बार। बहुत बढ़िया, ये यहाँ पर नहीं होते। चलो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हाँ बेच के जाने पड़ते, फिर अभी पहले आगे से लगा। हाँ ये बात, चलो तो कुल मिला के मैटर सॉल्व हो गया। बाकी उधर से मुझे लग रहा है ट्रेन भी आ रहा होगा, अभी 10 मिनट हो गए। हाँ सबकी आ रही है। हाँ इन लोगों ने सबने मिलकर यहाँ हेल्प करी हमारी, इन सबको थैंक यू। चलो फिर तो अभी हम लोग हैं महेंद्र नगर के अंदर और ये महेंद्र नगर का मार्केट है। हम लोग जा रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या होटल देखने। अभी किसी ने बताया पीछे कि ओपेरा होटल है, काफ़ी अच्छा है, तो वही चेक करने जा रहे हैं कि अगर वो सही होता है तो वहाँ हम लंच वगैरह करेंगे। ये सारा महेंद्र नगर सारे कपड़ों की दुकानें हैं। इधर स्विमिंग पूल भी है क्या? स्विमिंग पूल तो यहाँ इधर है तो सही स्विमिंग पूल। नहीं सबसे पहले जब हम आए थे वहीं पे हमने है तो हमने इस होटल में जो भी आपने देखा ओपेरा होटल था, इस होटल में हमने लंच वगैरह किया और उसके बाद हम लोगों का प्लान था स्विमिंग पूल में नहाने का। अच्छा यहाँ पे जो स्विमिंग पूल था, किसी ने हमसे कहा कि अब हमें नेपाल की लैंग्वेज कुछ ज़्यादा समझ में आई नहीं, तो जो वहाँ पे एक नेपाली भाई साहब थे उन्होंने कहा कि आगे एक बहुत बड़ा पुल है। एक्चुअल में वो हमें बताना चाह रहे थे कि आगे एक बहुत बड़ा पुल है यानी कि ब्रिज, और हम सोच रहे थे कि उधर एक स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा। उसने कहा कि वहाँ ओपन में बहुत बड़ा पुल है और हम अपने माइंड में लेके चल रहे थे कि वहाँ स्विमिंग पूल है काफ़ी बड़ा। हमने कहा शायद ओपन में स्विमिंग पूल होगा तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसलिए हम लोग इस रास्ते पे निकले, लेकिन आगे जाके पता चला कि ये एक ब्रिज है। आओ दिखाता हूँ, ये है नेपाल का पूल जिसे वो कह रहा था स्विमिंग पूल समझ के हम आए थे इधर, लेकिन ये पुल है एक्चुअल में ब्रिज, काफी लंबा है वो वहां तक है उस कोने तक। हाँ ये एक तरीके से पूरा झूलता पुल है। ये देखिए ये एशिया का दूसरा सबसे लंबा झूला पुल है वो वहाँ से ये यहाँ तक। अभी हम लोग इससे ही आए हैं और इसी से हमें वापस जाना है अभी, तो अभी वीडियो में देखते हैं। अब हम जा रहे हैं उस पुल को पार करने, आइए देखते हैं। ये देखो ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है और पूरा मेटल से बना हुआ है, और ये खाली सिर्फ बाइक के लिए अलाउड है या पैदल लोग, जैसे लोग पैदल लोग जा रहे हैं।
यस भाई के ज्यादा मजा आ रहा है, इस पर नाचने का मन कर रहा है। काफी अजीब पुल बना है और ये हिल भी रहा है भाई, ये हिल रहा है, चलते रहो यहाँ पे, रुको मत। लोहे का बना हुआ है और नीचे ये नदी है। एक तो मैं भी सीखूंगा, एक सेल्फी तो अपनी ही बनती यार। ये आई थिंक इसका टॉप है, ये देखो ये बाइक हमारी, ये काफी हिल रही है इस पुल में। वो या सारा, चलो फिलहाल आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है नेपाल बॉर्डर से बाहर आ चुके हैं, नेपाल बॉर्डर से बाहर आ रहे हैं और इंडिया बॉर्डर में आ गए। ये है गड्ढा चौक, ये बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। इस तरीके से ये पुल नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। इससे इस तरफ नेपाल, इस तरफ इंडिया, और इंडिया पहुंचने की सबसे पहले निशानी ये ऊपर आटो स्तंभ बना हुआ है। तो इस तरह से हमने अपनी राइड आज की ख़त्म करी और शाम के 7:30 बजे करीब हम लोग रुद्रपुर तक वापस पहुंच गए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड थी, बहुत नए नए हमें तजुर्बे मिले उसमें, और गर्मी तो बेतहाशा हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जब अब मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो जो थी ये आज ख़त्म हो गई है, और उसके बाद मेरी जितनी वीडियोस आएंगी उसमें आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे शिकायत भी करी है, दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया है कि किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। फिर मैं हो ये रहा था कि मेरी ये सारी वीडियोस जो अभी तक आपने गढ़वाल राइड वाली देखी हैं और ये नेपाल राइड वाली, ये सब पहले की थी और मैं इनको एडिट कर करके अपलोड कर रहा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था मेरे पास सिस्टम नहीं था वीडियो एडिट करने के लिए, अब मेरे पास सिस्टम है। अब कोशिश ये रहेगी कि अब मैं जो राइड करूँगा वो सेम डे आपको दिखाऊँगा। जो ये मेरा पैटर्न है वीडियो शो करने का और आप लोगों के साथ रूबरू होने का, ये मैं बिल्कुल चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया है और उन दोस्तों का मैं काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। होप आपको जो अब नई वीडियोज़ मिलेंगी इस वीडियो के बाद वो आपको एक नए अवतार में देखने को मिलेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबकी फरमाइश पूरी कर सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड हार्ड, राइड सेफ, बूम।